गुड मॉर्निंग क्लास वन, हम लोगों ने हिंदी में कुछ पढ़ाई पहले भी की है बेटा। आज हम देख रहे हैं जो आपकी बुक में लेसन 19 दिया है, आधे व्यंजनों का ज्ञान। स्वर और व्यंजन आपको याद दिला दें, शुरू से ही दोनों चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। क से ज्ञ व्यंजन है और अ से अह स्वर है। तो आधे व्यंजनों का ज्ञान। अब व्यंजन लिखने में हम आधा भी लिखते हैं और आधा उसका प्रोनंसिएशन भी करते हैं, उसका उच्चारण भी करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो बेटा, अगर ये पूरा पूरी लाइन यहाँ पर होती है, पूरा च होता, तो क्या पढ़ते हम? क च, च पर आखिरी मात्रा चा, क च चा ना। लेकिन हमें लिखना है कच्चा, तो कच्चा लिखना है, तो ये जो च है इसको हम आधा लिखेंगे। अब आधा क्या कैसे करेंगे? हमने इसकी जो लाइन थी जिसको कि हम लोग हिंदी में पाई बोलते हैं, उसको हटा दिया। यानी जिन व्यंजनों में, यानी क से ज्ञ तक जो लेटर आप देखते हैं, तो जिन व्यंजनों में पूरी पूरी पाई होती है साबुत, ये नहीं कि आधे और छोटी सी, नहीं, पूरी पूरी जिनमें पाई होती है, लाइन होती है, जब उनको आधा लिखना होता है तो हम उनकी पाई हटा देते हैं। ठीक, कच्चा, पक्का। अब पक्का में देखिए क्या है, इसमें तो भाई पूरी लाइन है, लेकिन अब इसमें भी पूरी लाइन है, पक्का। लेकिन नियम कुछ है, नियम क्या है भाई, कि यदि क और फ, ठीक है, क और फ, इनको हमें आधा लिखना होगा तो इनकी लाइन नहीं हटाएंगे। क्या करेंगे? इनका ये जो हैंड है, जो इनकी बाँह है, इनका जो हाथ है, इसी को गायब कर देंगे। यूं आधा क, ऐसे ही आधा फ। ठीक, और जिन वर्णों में लाइन होती है, स्ट्रेट पाई होती है पूरी, उनको आधा लिखना होता है तो हम उनकी पाई हटा देते हैं। लेकिन दो व्यंजन इसके अपवाद हैं। कौन कौन? क और फ। इनको जब आधा लिखना होता है तो हम इन दोनों की बाँह गायब कर देते हैं। बस यही थोड़ा सा रहेगा, ये गायब। अब देखिए, पक्का, पक्का, कच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, दफ, दफ्तर। अगर ये पूरा होता तो पढ़ते, फ पूरा होता तो दफ्तर, 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 लेकिन फ क्या है? आधा है। क्या पढ़ेंगे? दफ्तर, दफ्तर। आधे व्यंजनों का उच्चारण जल्दी से करते हैं। तो क और फ को आधा लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? दोनों की बाँह गायब कर देंगे। बस थोड़ा थोड़ा संकेत ये दे देंगे कि हाँ, यहाँ से इनकी बाँह स्टार्ट हुई थी। अब नेक्स्ट आइए, विद्या, विद्या। द क्या है बेटा यहाँ पे? अगर ये इसको हटा दें तब क्या पढ़ेंगे इसको? वि
द या विद या, लेकिन हमें द आधा लिखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके नीचे यूं लाइन ड्रा कर देंगे, इसको कहते हैं हलंत। अब प्रश्न उठता है कि किन किन अक्षरों के नीचे, किन किन व्यंजनों के नीचे हम हलंत लगाएंगे। हलंत लगा देने से वर्ण को आधा माना जाता है, उसका उच्चारण अब जल्दी से करते हैं, जैसे विद्या। तो इसमें ये नियम है कि जिन वर्णों में पाई नहीं होती, तो पाई नहीं होती, आप कहेंगे कि पाई तो इसमें है सर, यहाँ पर है ना, लेकिन ये इसको माना नहीं जाएगा। हमें क्या चाहिए, जिन वर्णों में पाई नहीं होती, जिन वर्णों में पाई होती है तो पाई हमें, लाइन हमें पूरी चाहिए ऊपर से नीचे तक, तब तो हम मानेंगे कि ये पाई वाले लाइन वाले वर्ण हैं। अब इसमें ये बस पाई यहाँ से यहाँ तक दिए हैं तो इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक। तो जिन वर्णों में पाई नहीं होती, बल्कि ये कहिए कि जिन वर्णों में कंप्लीट पाई नहीं होती, पूरी पूरी पाई नहीं होती, उनको जब आधा लिखना होता है तो हम उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। अगर पाई वाले के नीचे हलंत लगाएगा तो गलत रहेगा, वो क और फ के नीचे हलंत लगाएगा तो गलत रहेगा, ये व्यंजन को हलंत आधा कर देगा, लेकिन नियम है किसके किसके नीचे लगाने पर उनको आधा करेगा। तो जिन वर्णों में पूरी पाई नहीं होती, कंप्लीट ये पाई नहीं होती, उन्हें आधा करने के लिए हम हलंत लगाते हैं, जैसे विद्या, टट्टू, गट्ठर, ठीक। बुक में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने पहले होमवर्क भी भिजवाया था आपको, अब थोड़ा देखिए ये व्यंजनों को देखा जाए। क देखिए लाइन है, पाई है, क ख ग घ ङ, तो क और फ इनको तो हम पहले निकाल देंगे, क्योंकि ये आधा लिखने के लिए इनका नियम दूसरा है। क्या नियम दूसरा है कि इनके हैंड को, इनकी बांह को हम गायब कर देते हैं, हो गए। अब बाकी जिन वर्णों में पूरी ये कंप्लीट पाई है उनको आधा लिखना होगा तो हम पाई को गायब कर देंगे, कच्चा, सख्त, बच्चा, बल्ला, बिल्ला, जो भी है। अब देखिए यहाँ पर ङ है भाई, इसमें पाई नहीं है, ये छोटी पाई को हम नहीं मानेंगे, तो अगर ङ को हमें आधा लिखना होगा तो हम इनके नीचे हलंत लगाएंगे। जिनके नीचे हलंत लगाना होगा आधा लिखने में, उन्हीं को बस मैं अंडरलाइन करूँगा। अब देखिए च पूरी लाइन है, आधा लिखना होगा तो लाइन हटा देंगे। छ में देखिए कंप्लीट पाई नहीं है, तो इनको भी अगर आधा लिखना होगा तो हम इनके नीचे हलंत लगा देंगे। ज पूरी लाइन है, झ पूरी लाइन है, य पूरी लाइन है, बस इनकी लाइन को यानी पाई को हटा देंगे आधा लिखने में। नेक्स्ट आइए ट, कंप्लीट लाइन नहीं है, आधा लिखना होगा तो हलंत लगाएंगे। ठ में भी यही बात है, ड में भी यही बात है, ढ में भी यही बात है, इनको जब आधा लिखना होगा तो इनके नीचे हम हलंत लगा के लिखेंगे, ठीक। ड में देखिए पाई है, बस पाई हटा देंगे आधा लिखने में। तो थ दोनों में पाई है, आधा लिखना होगा तो पाई हटा देंगे, लेकिन द, द में देखिए कंप्लीट पाई नहीं है ये, तो द को भी लिखना होगा तो हम नीचे हलंत लगाएंगे। ध में कंप्लीट पाई है, न में पाई है, आधा लिखना होगा तो क्या करेंगे, इनकी पाई हटा देंगे। प
कंप्लीट पाई है। फ का नियम आपको बता चुका हूँ, फ और क आधा लिखना होगा तो इनके हम बाह को, इनके हाथ को गायब कर देंगे। ब कंप्लीट पाई है, भ म सब पाई वाले हैं, बस आधा लिखने में पाई हटा देंगे। य र, र में भी देखिए पाई नहीं है, नहीं है ना, तो इसको भी जब आधा लिखना होगा तो हम नीचे हलंत करेंगे। ल व श श स ह, ह में भी देखिए कंप्लीट पाई नहीं है, इसको भी लिखना होगा तो हम नीचे हलंत करेंगे। छत्रज्ञ, ठीक। अब ये संयुक्त व्यंजन है, पाई है ही है, देख रहे हैं, तो बस आधे वर्णों को लिखने में तीन बातों को हमें ध्यान रखना है। नंबर वन, क और फ को आधा लिखते हैं तो इनकी बाह को हटा देंगे। जिन वर्णों में लाइन यानी पाई होती है लेकिन कंप्लीट पाई होती है उनको आधा लिखना होगा तो हम उनकी पाई को हटा देंगे, और जिन वर्णों में कंप्लीट पाई नहीं होती जैसे ङ छ ट ठ ड ढ द र ह, इनको जब आधा लिखना होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, नीचे हम यूं हलंत लगा देंगे, तब इनको हम आधा उच्चारण करेंगे। जैसे ह नीचे हलंत कर दिया चिन्ह, ठीक। र ऐसे तमाम सबके एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो ये चैप्टर रहा आपका, बाकी रीडिंग आप खुद करेंगे, बुक में तमाम चीज़ें दिया है। अब इसके आगे संयुक्त व्यंजन चैप्टर है, संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं, छत्रज्ञ पहले भी पढ़े हैं, बस यही थोड़ा समझाना था कि आधे व्यंजनों को हम कैसे राइटिंग करेंगे। ओके।